कृष्ण की विजय हुई। कंस के अंत से वर्तमान और भविष्य के सभी मनुष्य ये सीख कि पाप का अंत दुखद ही होता है। और यदि इस संसार में कंस जैसा पापी जन्म लेता है तो इसी संसार में कृष्ण भी जन्म लेते हैं। जब ये समस्त संसार द्वेष की अग्नि में जल रहा होगा तब प्रेम का शीतल जल लेकर कृष्ण भी आते ही। द्वेष से भरा हर पापी केवल नाश पाएगा और प्रेम से संसार में बार बार पुनर्धर्म की स्थापना होकर रहेगी। विजय सदैव प्रेम की ही होगी और कंस का अंत द्वापर युग का ये महाअध्याय इसका यही सार है। सारे दीपक पानी से कैसे जल गए? प्रेम से, विश्वास से संभव। मेरा कृष्ण विजयी हुआ। हम जीत कह रहे थे। माँ मेरी बात मानिए, पानी का दिया सच में जल गया और वो राधा कह रही थी कि कृष्ण जीत गया। मेरी कुटिल बुद्धि वाली पुत्री कुटिला, मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई? तुम तो सुदबुद्ध खो दी, मूर्खों जैसी बात करने लगी। भला कभी पानी से दिया जलते हुए देखा है? माँ मेरा विश्वास कीजिए, मैंने स्वयं अपनी नेत्रों से कृष्ण का विजय दीपक पानी से जलते हुए देखा है। ओह, अच्छा, तो अब तो कृष्ण उस महाबली कंस को मार भी दिया होगा, है ना? कुटिला। और अगर ऐसा हुआ है तो ये शुभ समाचार अभी आता ही होगा, है ना? समाचार है, कृष्ण की जीत हुई और कंस का अंत हुआ। कृष्ण ने कंस को परास्त कर दिया। कृष्ण जीत गया। कृष्ण जीत गया तो बहुत अच्छी बात, अर्थात मथुरा कंस के अत्याचार से मुक्त हुआ। अभी अभी तो समाचार आया और तो मिठाई भी ले आई। हाँ हाँ, समाचार अभी आया है, किंतु मुझे पहले से ज्ञात था। कैसे? समझ लो कि आभास हुआ है। ये लीजिए, आप भी खाइए, मुँह मीठा कीजिए। मेरे कृष्ण की विजय हुई है, खाइए। लीजिए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। माँ आप ले लीजिए। राधा, ये क्या तुम इतनी प्रसन्नता के साथ लड्डू बांटती फिर रही हो सबको? जीत कृष्ण की हुई है, तुम्हारे पति की नहीं। और कृष्ण
केवल इस गांव का एक ग्वाला है। माँ, कृष्ण केवल ग्वाला नहीं, मेरा सबसे प्रिय सखा भी है और समस्त गांव का पुत्र भी है। इसलिए जीत केवल कृष्ण की नहीं, समस्त बरसाना, समस्त मथुरा की हुई है। तो क्यों ना मनाया जाए उत्सव? ये लीजिए, आप भी लीजिए, जीत आपकी भी हुई है। राधा, तुम तो समस्त बरसानों को लड्डू खिलाने में व्यस्त हो, अपने ससुर को केवल लड्डू खिलाओगी या भोजन भी? अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तुम? नहीं बाबा, भोजन भी तैयार है, आप चलिए, मैं अभी आपको खिलाती हूँ। आप चलो, तुम सब भी चलो। सखियों, समस्त गांव में मिठाई बांटना, ध्यान रहे कोई मुंह मीठा किए बिना घर ना लौटे। अवश्य। अंततः तुमने कंस का अंत कर ही दिया कान्हा। मित्र, तुम्हारा नहीं, मित्र वासुदेव, भूल कर भी धन्यवाद मत करना। तुमने तो मेरे कान्हा का, उसके पालन पोषण का उत्तरदायित्व मुझ पर डालकर मुझे पिता होने का सुख दिया है। आज आपने न केवल अपने माता पिता अपितु समूची मथुरा को मुक्त कर दिया है कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा को कंस मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। श्री कृष्ण की जय। आओ पुत्र, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये दीवार देख रहे हो? ये वही दीवार है जहां कंस ने मेरी 6 संतानों की निर्मम हत्या की। ये उन्हीं का रक्त है कृष्ण। मैं आज भी जब इस दीवार को देखती हूँ तो मेरा मन अनंत पीड़ा से भर जाता है कृष्ण। तुम्हें इन रक्त के धब्बों को साफ करना होगा, मिटाना होगा।